नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सॉल्वेंटिक। और हम आज बात करने वाले हैं आपके प्रश्न पर आधारित, आपके जो प्रश्न है उसके आधारित आपके प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करता हूं। एक भाई ने पूछा ओवरफ्लो क्या है प्लांट पे। ओवरफ्लो हम सुनते हैं, ओवरफ्लो क्या है और कितना तक मेंटेन करना चाहिए, क्या है ये सब, ऐसा कुछ प्रश्न है तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। कि सबसे पहले बात जानने कि ओवरफ्लो किसे कहते हैं। ओवरफ्लो, ये ओवरफ्लो क्या है। प्लांट में अक्सर हमने सुना होगा यार ओवरफ्लो यार, ओवरफ्लो कोई इतनी कोई मैकेनिकल चीज, थोड़ा मशीनरी थोड़ा है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो देखिए, मैंने ये टंकी लिया, ये टंकी है मेरे पास, इसकी एक कैपेसिटी है, यहां तक मुझको भरना है, ये यहां तक भरने के बाद क्या होगा, ऊपर से ओवर होके बाहर निकलने लगेगा। जो ये ऊपर से ओवर होके बाहर निकलने लगे उसी को क्या कहते हैं, ओवर का फ्लो, ओवरफ्लो यही है। ठीक है, जो हम टैंक्स हैं हमारे, मान लो मैगजीन भर रहे हैं, आयल भर रहे हैं, आयल भी ओवरफ्लो हो सकता है, हेक्जिन भी ओवरफ्लो हो सकता है ना, पानी भी ओवरफ्लो हो सकता है। जो भी अपनी कैपेसिटी से बाहर हो गई कोई चीज उसको क्या बोलेंगे, और बाहर होकर के बाहर फ्लो होने लगा उसका, मतलब एक फ्लो बन जाएगा ना, एक बोलो एक जैसे भर गया भरने के बाद में बाहर की ओर गिरने लगेगा या बाहर किसी लाइन के माध्यम से जाने लगेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, ओवरफ्लो। समझे आप, ओवरफ्लो वो है। अब प्लांट में ओवरफ्लो क्या मतलब एक कहानी है, तो प्लांट में ओवरफ्लो की भाई साहब ये कहानी है, चाहे मिसेला टैंक हो चाहे सेपरेटर हो, जो भी हमारे हाइजीन है ना या एक्सट्रैक्टर हो, जहां भी कोई चीज भरी जाती है ना उसके आउट एक कैपेसिटी लेने के बाद, मान लो हमें इतना भरना है, कोई टैंक है उसका एक कैपेसिटी है इतना भरना है, इससे ज्यादा अगर हो जाए तो उसके लिए एक रास्ता बना देंगे कि हम अगर इससे ज्यादा इस हो जाता है तो फिर ये निकल करके आउट होकर के हमारा किसी दूसरे टैंक में ट्रांसफर हो जाए या कहीं पर भी चला जाए, है ना। तो जो आउट वाली सिचुएशन हो जाती है उसकी, भर के आउट होने वाली सिचुएशन को क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो बोलते हैं। तो प्लांट में हमारा मिसेला टैंक भी अगर भर जाएगा तो ओवर होके ओवरफ्लो हो जाएगा, अगर सेपरेटर भर जाएगा ओवरफ्लो के ओवर हो जाएगा, उन सबकी लाइन एक ही लाइन बना दी जाती है, और इन सबको लाइन पर एक जो हमारा मदर टैंक होता है, हाइजीन का टैंक होते हैं जहां पर, तो वहां पर एक टैंक को निर्धारित कर देते हैं कि ये हमारा ओवरफ्लो टैंक है, जो सबका ओवरफ्लो यहां पर इकट्ठा होगा और हमें जब जरूरत पड़ेगी तो हम वहां से पंप कर लेंगे। बस इतनी सी बात है। उसके बारे में देखो समझने का प्रयास करो, जिसे मिसेला टैंक है, सेपरेटर का टैंक है, कहीं से भी, तो जब ये अपनी कैपेसिटी तक भर जाते हैं, कभी कभी क्या होता है जो हमारे प्लांट में हेक्जिन लेवल है, कभी प्लांट एकदम शुरू का तो वो जो सर्कुलेट हो रहा है हेक्जिन वो आकर के वापस मिसेला टैंक में आएगा, तो मिसेला टैंक भी कितना बर्दाश्त करेगा भाई, जितना उसकी कैपेसिटी उतने तो बर्दाश्त करेगा, उतना ही इकट्ठा कर पाएगा, तो उसके बाद जब अपने क्षमता से जब ज्यादा भरने लगेगा तो वो ओवर होने लगेगा। तो एक लाइन दे दी जाती है ओवरफ्लो की, जो नीचे लाइन में जाती है, और वो जो है मदर टैंक में जो बड़ा टैंक है वहां पर उसको लेके जाता है, तो ओवर फ्लो उसे ही कहते हैं। और वो जो जब टैंक में चला जाता है ओवरफ्लो के, जैसे हमने प्लांट में वापस चालू किया तो उसको उठा करके वापस पंप कर लेते हैं, उसको वापस प्रोसेस में ले लेते हैं। बस इतनी सी कहानी है ओवरफ्लो की, है ना। तो कैसा समझ में आई बात कि नहीं, ओवरफ्लो क्या है और कैसा मैनेज करना है, तो ये प्लांट को मैनेज क्या करना है, ये तो जिसे बंद चालू होता है या कोई भी प्रक्रिया होती है तो ये होता है, और इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। तो कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरी बात समझ में आई या नहीं आई ये भी जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।